श्रीकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तुम वेख रहे हो पंजाबी खबर, तो हम खबर विस्तार नाल। पछमी बंगाल में हार तो बाद बीजेपी दफ्तर की भन तोड़ जुड़िया हिंसा घटनावां खिलाफ बीजेपी कारकुना ने देश भर में टीएमसी खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। इस मौके पटियाला रोस प्रदर्शन दौरान उन्होंने कहा कि यह हमला सीधा सीधा लोकतंत्र से हमला है, तो टीएमसी के कारकुना समझदारी तो कम लेना चाहिए। चंडीगढ़ में बीजेपी के आगुआ ने टीएमसी खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस युग में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी के आगुआ का कहना सी कि जेकर ममता हारी है तो वह भी लोकतंत्री तरीके नाल चोण हुई सी, ते जेकर मौजूदा मुख्यमंत्री बनी है तो वह भी कानून मुताबिक, पर कानून हाथ में लैन का हक किसी को नहीं होना चाहिए। पंजाब सरकार वालों कोरोना के वध रहे मामलों कारण पंजाब दे विच लॉकडाउन लाया गया है, ते इन्ना ही नहीं पंजाब सरकार वालों धार्मिक अते राजनीतिक समागम ते भी रोक लगाई गई है। उसके उल्ट बीजेपी वालों हुशियारपुर के बहादुरपुर चौंक विच साबका कैबिनेट मंत्री तिक्षण सूद की अगवाई विच बहादुरपुर चौंक विच प्रदर्शन किया गया। इस मौके कोरोना दी गाइडलाइन दी धज्जियां उड़ाई गई। तिक्षण सूद के नाल 15 तो वध वर्करां ने तख्तियां फड़ के रोस प्रदर्शन किया। इस संबंधी जदों तिक्षण सूद नूं सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 बंदियां नूं ही कहा सी। लोग अपने आप ही 10 तो वध प्रदर्शन करने लिए पहुंच गए। मौके ते खड़े सदर SHO नाल जदों गल की गई तो उन्होंने भी कहा कि पल्ला झाड़ लिया कि वह इस संबंधी सीनियर अफसरां नाल गल करनगे। हुशियारपुर में भारतीय जनता पार्टी के साबका संसद और पार्टी के कौमी मीत प्रधान अविनाश राय खन्ना वालों बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरुद्ध बंगाल में भाजपा आगुआ और वर्करां नाल हो रही धक्केशाही के विरुद्ध विच स्थानक प्रभाव चौंक विच पुतला फूक के रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके भाजपा वर्करां वालों ममता बनर्जी विरुद्ध जम के नारेबाजी भी की गई। अविनाश राय खन्ना ने यह भी कहा कि बंगाल में भाजपा 3 तो 76 सीटों पर आ चुकी है, जो कि बंगाल की TMC पार्टी को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने नाल ही बंगाल में भाजपा आगुआ के तशद्दुद किए जाने के आरोप लगाए। हुशियारपुर रेलवे रोड से अपने कुत्ते नूं सड़क से घुमा रहे एक व्यक्ति ते दो सके भरावां ने तेजधार हथियारां नाल हमला कर दिता। इस दौरान उक्त व्यक्ति नूं जदों उसके पुत्र वालों छुड़वाउण की कोशिश की गई तो उक्त हमलावरां वालों उस उत्ते भी हमला करके कपड़े पाड़ दिते। इन्ना ही नहीं मौके ते पहुंचे पंजाब पुलिस के SHO रैंक के अधिकारी समेत दो होरना पुलिस मुलाजमान नूं भी हमलावरां ने नहीं बख्शिया ते पुलिस वालियां ते भी हमला करके उन्हां दी वर्दी पाड़ दिती। इस तों बाद पुलिस वालों उक्त सके भरावां दी चंगी तरह नाल भुगत सवारी की गई। पुलिस ने कथित दोषियों विरुद्ध वख-वख धाराओं अधीन मामला दर्ज कर लिया है। जिला गुरदासपुर में रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब वालों संघर्ष का ऐलान किया गया है। कादिया की सब तहसील कानूवान विखे माल विभाग के अधिकारियों वालों काले बिले ला के रोस प्रदर्शन किया गया ते पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उन्हां दियां मंगां मन लवे। थाना भैणी मियां खां अधीन पैंदे पिंड निवासी बागड़िया विखे जमीनी झगड़े विच जमीन की वट पाउण मौके रोने रोके जाण विच चेहरे भरावां वालों नौजवान भैन नूं ट्रैक्टर हेठां देख के कतल कर दिता गया। प्राप्त जानकारी अनुसार साबका फौजी अमरजीत सिंह दा अपने ही परिवार चों लगदे भतीजे मनप्रीत सिंह नाल जमीन की वट का झगड़ा चल रहा सी, जिस नूं पिंड दे मोहतबार व्यक्तियां ने पंचायत समेत 2 दिन पहलां जमीन की वट पा के झगड़ा खत्म कर दिता गया सी, पर अज मुड़ झगड़ा होया जिस दौरान कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया। फिलहाल पंजाबी खबरों में इन्ना ही, तो मैनू दे इजाजत, वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम TV।